नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो चलिए भैया, आपके लिए जो है एक गुड न्यूज कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कब वो अपना CSAS पोर्टल जो है वो लॉन्च करेगा, मतलब कब ओपन करेगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है उसने जो है न्यूज के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वो ये जो है डेट दे रहा है कि इस डेट पे हमको CSAS पोर्टल ओपन कर देंगे। तो जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं उनके मन में बहुत आशंका है, क्योंकि पहले क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है आपको तो CSAS पोर्टल ओपन होगा तो आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो CSAS पोर्टल के लिए एक न्यूज ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि ड्यू ने ये कहा है कि लगभग मिड जून का मतलब हो गया लगभग 15 तारीख तक जो है CSAS पोर्टल को ओपन कर देना चाहिए, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा कह रहा है कि हम 15 जून तक जो है CSAS पोर्टल ओपन कर देंगे। तो जिन बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है वो थोड़े अवेयर रहें, थोड़े चौकन्ना रहें, चीजों को समझते रहें, देखते रहें, क्योंकि जैसे ही CSAS पोर्टल ओपन होगा हम आपको बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पोर्टल पे जो है अपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर पूरी पढ़ाई, पूरा एंट्रेंस और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यह भी भरना है, उसमें सब्जेक्ट प्रेफरेंस पूछेगा वो भी भरना है, उसमें कॉलेज प्रेफरेंस पूछेगा वो भी भरना है। वो हम आपको बताएंगे कि कौन से कॉलेज को आप ऊपर रखिए, कहां आपके चांसेस ज्यादा एडमिशन होने के, ठीक है। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना चौकन्ना रहना है कि जैसे ही हम आपको बताएं कि CSAS पोर्टल ओपन हो गया है, अभी ये डेट आई है कि ओपन हो सकता है 15 जून तक, जैसे ही हम ये बताएंगे कि ओपन हो गया है वैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, हमारे संपर्क में रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए जैसे रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, और हाँ सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।